लेबनान पर इसराइली बमबारी के बाद मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में फौजियों पर मिज़ाइल और सैकड़ों रॉकेट हमले कर दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट और शुमाली इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिज़ाइल और रॉकेट हमलों से फौजियों को निशाना बनाया और 190 रॉकेट दागे। इसराइली मीडिया का बताना है कि तेल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स के साथ वाकई इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया था। दूसरी जानब इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के 5 में से कुछ रॉकेट मार गिराने और बाकी खाली इलाके में गिरने का दावा किया है। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर को गजा और यमन से भी इसराइल पर हमले किए गए थे। साथ ही यमन से हौसियों ने तेल अबीब पर फायर किया गया बैलिस्टिक मिज़ाइल मार गिराने का दावा किया था, जिसके बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था।